प्रिय बहनों भाइयों, यीशु के मीठे पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम खुदा के पाक वचन में से देखते हैं, रोमिया 12 अध्याय का दूसरा वचन है। वहाँ प्रभु का वचन हमें चौकसी करता है कि हमको इस युग के रूप जैसे नहीं बनना है, बल्कि अपनी बुद्धि के नए हो जाने की तरह और नए स्वरूप में बदलते जाना है और परमेश्वर की भली और अच्छी और संपूर्ण इच्छा को लेना है और समझना है और जानना है। और हम सब इस समय इस युग में जी रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे फैशन, ऐसे जो शैतान की और संसार की ओर से बहुत सारी एक्टिविटी आ चुकी है, जिनसे हमको बचने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे पौलुस दूसरा कुरिन्थियुस उसका 11 अध्याय के 3 वचन में कहता है कि मुझे इस बात से डर है कि कहीं ऐसा ना हो जैसे सांप ने अपनी गलत शिक्षा से हवा को भरमाया और उसके मन को सादगी और पवित्रता से अलग किया, वैसे तुम्हारे भी मन उस सादगी और पवित्रता से अलग ना हो जाए। तो ये हमारे लिए भी, इस समय शैतान को भी मालूम है कि उसका समय बहुत कम है, तो वो भी अपना जोर लगा रहा है के मसीह की कलीसिया को बिगाड़ने के लिए नए नए ढंग, नए नए फैशन, नए नए और प्रोग्राम लेकर आता है। जैसे आज हम देख ही रहे हैं, ये जो मीडिया, सोशल मीडिया पे जैसे नेटवर्क जो काम वहाँ चल रहे हैं, बहुत बुरे काम वहाँ होते हैं और बहुत सारे लोग उनमें फंसे भी हुए हैं। तो हमको इन सभी बातों से बचना है। सादगी और पवित्रता ये स्वर्ग में जाने के लिए सबसे बड़े दो हमारे लिए कदम हैं। इन कदमों को पूरी रीति से मजबूती के साथ आपके मेरे जीवन में होना जरूरी है। सादगी और पवित्रता से हमारे मन कभी भी इधर उधर ना जाए, बल्कि जैसे लिखा हुआ है, तरताई के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, प्रभु के दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। यीशु मसीह हमारे प्रभु ने मत्ती 5:8 में कहा, धन्य है वह जो मन के पवित्र हैं, शुद्ध हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे। तो हम सबको ऐसा बोलना है, ऐसा चलना, ऐसा पहनना है, ऐसा ही अपना जीवन को गुजारना है कि हमारा जीवन से कोई ठोकर ना खाए, ना ही हम किसी बात से ठोकर खाएं। संसार चाहे कैसा भी है, लेकिन हमारी नज़र हमारे मसीह पर होनी चाहिए। क्योंकि लिखा है दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय में कि अंत के दिनों में यो बुरे समय आ जाएंगे, जो मनुष्य आप स्वार्थी, जो धन के लोभी, शेखीबाज, हंकारी और कुफर बकने वाले, माता पिता के अन आज्ञाकार और ना शुक्रे और भ्रष्ट और जो सख्त दिल और जो निंदा चुगली करने वाले, जो बहुत सख्त और जो नेकी के वो वैरी होंगे और घुमंडी होंगे, वो परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास के प्रेमी होंगे। वो भक्ति का रूप भी धारण करेंगे, लेकिन शक्ति उनके पास नहीं होगी। सो विखावा भक्ति विदाउट शक्ति, ऐसे जीवन का कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो चाहिए सच्ची भक्ति किसके साथ जुड़ी होती है? सादगी के साथ, पवित्रता के साथ। हमारा जीवन जो है वो प्रभु
को एहसास सुंदर लगता है, सादगी और पवित्रता ही वाला जीवन प्रभु को बहुत पसंद होता है। तो हमें इस संसार में खोना नहीं है, पाप में खोना नहीं है, जो ये बहुत कई बार शैतान की ओर से बहुत कुछ आगे आता है देखने में, लेकिन हमको उसकी ओर देखना नहीं। हवा ने धोखा खाया है, लेकिन अब हम बच सकते हैं। जो शैतान की बातों को हवा ने सुना और पसंद किया और वो प्रभु के प्रेम से अलग हुई, लेकिन हमारे पास ये जीवित वचन है हमारे प्रभु का, जो हमें संभालता और बचाता है। तो हमें संसार के फैशनों में खोना नहीं है, सादगी, जैसे पहला पत्रस 3 अध्याय में भी लिखा है कि हमारा जो पहनना है, श्रृंगार करना है, वो भी दिखावटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लोग हमें देखें तो उनकी जो सोच है बिगड़ जाती है, वो बुरा सोचेंगे, तो उसमें जो ठोकर का कारण बनते हैं वो भी सजा, और जो ठोकर खाते हैं, खाते और खिलाने वाले और खाने वाले दोनों के लिए ही खतरा है। अगर हमारा जीवन बुरा नज़र आएगा लोगों को, तो उसमें भी गलत बात है, पाप वाली बात। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि पाप जो करने वाले को तो सजा है ही, लेकिन जो सोचने वाले भी हैं बुरा, उन पर उसी समय सजा लागू हो जाती है। तो ना हम सजा किसी को ऐसी दिलाने वाले बने। अगर हम सादा जीवन, पवित्रताई वाला जीवन गुजारेंगे, तो हमसे कोई ठोकर नहीं खाएगा। वो सभी लोग, जैसे अलीशा जब जा रहा था तो लोग कहते थे कि प्रभु का जन जा रहा था, क्योंकि उसका जीवन सादगी वाला, पवित्रताई वाला था। तो ऐसे ही हमारा पहनना, चलना, बोलना, देखना, बातें करना, काम करना, सब कुछ सादगी और पवित्रताई वाला होगा, तो हम प्रभु के लिए कितने अच्छे और सुंदर सुंदर नजर आना है। तो सबसे पहले प्रभु को सुंदर नजर आए। संसार में हम सादगी में भी पवित्रताई में चलते रहेंगे, चाहे संसार हमें सुंदर ना भी कहे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये संसार तो नाशवान है, मिटने वाला है, लेकिन प्रभु ने हमको तो सदीपक जीवन दिया हुआ है, सदा का जीवन। इसलिए उस जीवन में बने रहने के लिए सादगी और पवित्रताई को पकड़ कर रखिए, मजबूती के साथ इसमें बने रहिए, प्रभु में चलते जाइए, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। एक वचन और मुझे याद आ रहा, जैसे दानियल ने उसका दानियल की पुस्तक 1:8 में वो राजे के बहुत महंगे भोजनों के लिए उसने परवाह नहीं की, उसकी जो शराब राजे की ओर से आ रही उसको भी उसने पीछे किया और सादा भोजन खाया, और प्रभु का जलाल उसके चेहरों पे, उसके साथियों के चेहरों पे आया। ऐसे ही सादगी पवित्रताई में प्रभु का बड़ा जलाल आपके साथ होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का जलाल आपके ऊपर बढ़े, तो आप सादगी और पवित्रताई को मजबूती के साथ पकड़ते हुए आगे अपने जीवन में चले और प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।